अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक मिस्टर एंड मिसेस अयाज अली व्लॉग। तो गाइस आप सबको 19वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो, और इंशाल्लाह बस ये 11 सहरियां और रह गई हैं, ये भी आपके साथ ऐसे ही गुजरेंगे। सुबह सुबह मैं आपको ऐसी वेलकम बैक करती जाऊंगी। और अभी सहरी का टाइम हो रहा है टाइम, और ये मियाँ जी ये बैठे हुए हैं और हमारा चुन्नी भी जाग रहा है। तो मियाँ जी क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक मिस्टर एंड मिसेस अयाज अली व्लॉग। तो गाइस उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और गाइस 19वीं सहरी आप लोगों को बहुत 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 मुबारक हो। गाइस किस तरीके से रोजे गुजर रहे हैं, कितनी जल्दी रोजे गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा था अभी पहले रोजे की मुबारकबाद दी, और देखें आज 19वां रोजा है और ऐसे ही 11 रोजे भी गुजर जाएंगे। तो गाइस प्लीज बस दुआ करें, आखिरी अशरा भी शुरू हो जाएगा, तो बस ये दुआओं की के लिए होता है और मकसद के लिए होता है। गाइस बस दुआ करते रहें, और अपने हक में भी, हमारे हक में भी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस ये आप इनसे भी मिल सकते हैं। अजलान अजलान ये रहे अजलान ये रहे। तो गाइस ये इनको सहरी, अब बस सहरी का टाइम हो गया। देखें मैंने दस्तरखान बिछाया तो मैंने कहा व्लॉग मियाँ जी शुरू कर लेती हूँ मैं। अब देखें दिन में क्या होता है, हमें पता नहीं होता, बस जो होना होता है हो जाता है, तो इसलिए सुबह ही पता चलेगा अब क्या क्या होना है। अभी तो फिलहाल हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं करते, बस नेचुरल दिखाते हैं आप लोगों को जो हमारी लाइफ है, और ऐसी ही लाइफ है हमारी। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आप वीडियो में ऐसे ही हैं क्या? यार हम लोग ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोग के साथ जैसे है ना आज, हमेशा ऐसे ही रहेंगे, सपोर्ट करें। हाँ तो दस्तरखान बिछ गया, अब जल्दी से मैं फटाफट लगाती हूँ सहरी की, सारी चीजें तैयार करके बैठ चुकी हूँ, लगाती हूँ फिर आपसे दिखाती हूँ कि आज सहरी में क्या खा रहे हम। तो गाइज आज हैं पराठे, ब्रेड है, कीमा है, बहुत टेस्टी कीमा बनाया है मैंने भुना हुआ। गाइज अम्मी जी ने खाया, अम्मी को बहुत पसंद आया। हाँ अच्छा बना है, सही है। और ये दूध फेंकी है, और ये बटर है जो मक्खन नहीं है, और ये चाय है। आज छोटी सी सहरी है हमारी। हाँ इससे भी सुन लिया करें आप थोड़ी, ये कह रहे हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी जाके नीचे जाके पतंग भी दबा दे। ये कह रहा है बस मुझे दस्तरखान उल्टा करना है, छोड़ दो मुझे दस्तरखान पे लपक पड़ू मैं। सो गाइस हम सोए नहीं है सहरी करके, मतलब कि मैं नहीं सोई, अयाज सो चुके हैं, अम्मी जी सो चुकी हैं, मैं नहीं सोई क्योंकि मुझे भेजना था बच्चों को स्कूल। तो मैंने कहा अगर मैं सो गई तो मैं उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, उठा नहीं जाएगा और जिसम टूटेगा, फिर हिम्मत भी नहीं होगी। मुझे इन लोगों के लिए लंच बॉक्स भी रेडी करना था, तो मैंने लंच बॉक्स रेडी कर दिया है गाइस। मैक्रोनी बना रही हूँ, अभी तो खा भी रही हूँ मैक्रोनी, जान स्कूल जा रहे हो आप, अच्छी लग रही मैक्रोनी से बनी। तो गाइस ये लोग चिकन हटा देते हैं, सब्जी हटा देते हैं, तो मैंने इसमें जस्ट मेयोनीज, केचप और चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका और नमक, ये सब चीज़ें मतलब जो ऊपर उसको चल रही हैं डाल के, मैंने इनके लिए इस मैक्रोनी बना ली है। काशान से मिलवाता हूँ, काशान स्कूल जा रहा हूँ बेटा, अच्छी लग रही है मैक्रोनी है। अरे मम्मी मेरा मूड नहीं हो रहा, मुझे स्कूल नहीं जाना। मैंने लगा क्यों नहीं जाना है बेटा, वहाँ पहले ही बोल देते हम इतने पैसे नहीं लगाते आपके स्कूल में, जा तो रहा हूँ। तो गाइस जा रहे हैं हम मुझे स्कूल हैं, किसके साथ जाओगे? छोड़ने कौन जाएगा? मम्मा छोड़ने जाएंगी आज, मैं छोड़ने चली जाऊंगी इनको स्कूल, क्योंकि इनके पापा पूरी रात तो बेचारे जागते मेरे साथ, और अभी सोए, हिम्मत नहीं होगी उनकी उठने की, नींद खराब होगी, तो मतलब मैं छोड़ कर आ जाती हूँ, फिर मैं सो जाऊंगी तो लेने के लिए वो चले जाएंगे। गाइस मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि यार ऐसा होना चाहिए था कि रमज़ानों में तो एटलीस्ट स्कूलों की छुट्टियाँ हों, ताकि पेरेंट्स सहरी करके तो सो जाएँ कम से कम, फिर स्कूल के लिए उठना तो माओं की नींद ख़राब होती है। बाकी बस कुछ नहीं कर सकते, बोल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो देखते हैं अब दिन में क्या होता है। फिलहाल तो मैं भी इन लोगों को स्कूल छोड़ने जाऊँ, तो चलते हैं, मैं जा रही हूँ, आपको नहीं लेके जा रही, आप लोग घर पर रहो, बाय 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 कर दो। चले शुक्र है मूड अच्छा है इनका। तो गाइज वेलकम बैक अगैन, और हम फिर वही सहरी में आपके अफ्तारी में आपके पास आए हैं अफ्तारी दिखाने के लिए। तो अफ्तारी में इतना भी आज भी कुछ खास नहीं है, मैं बना रही हूँ सबसे पहले तुरई बना रही हूँ, धुआं निकल रहा बाद में देखिएगा, आप तुरई बना रही हूँ, और साथ में बना रही हूँ दही फुल्की और खट्टे छोले। यार वही छोलों की रेसिपी जो शहजाद मैंने बनाया था वैसे ही छोले बनाएंगे। और दही फुल्की के लिए ये मैंने तैयार कर लिया है, ये बेसन घोला है, इसमें बारीक बारीक प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक बारीक काट दी है, नमक पीसी मिर्च डाल के बेसन घोला था, और अब ये ऑयल गर्म हो गया है तो ये इसमें फुल्कियाँ बनाएंगे, और फुल्कियाँ बनाने के बाद इस दही के रायते में डाल देंगे।
एंड में लहसुन और जीरे का बघार मार दूंगी, दही फुल्की तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह हमारी तुरई भी रेडी होने वाली है, तो बस ये करके दही फुल्की रेडी करके, छोले रेडी करके, फिर आटा गूंथ के जल्दी से रोटी बनाऊंगी, तो हमारी अफ्तारी तैयार हो जाएगी। रस्सा खान पे भी मिलते हैं, मियाँ जी से मिलवाते हैं, अभी थोड़ी देर में चलते हैं, पहले दही फुल्की बना लूँ यार, ऑयल गर्म हो गया है। सो गाइस अफ्तारी का सामान रेडी हो गया है, छोले बन गए हैं, ये प्याज हमने अलग रखे वरना छोले खराब हो जाते हैं, ये प्याज आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, ये पापड़ है पापड़ हुए, और ये दही फुल्की भी मेरी रेडी हो चुकी है, साथ में तुरई भी बिल्कुल रेडी है, और ये बनाई थी मैंने खिचड़ी, बच्चों को खिला दी थोड़ी खिचड़ी, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें मेरे ध्यान की बहुत तबीयत खराब है गाइस, उसको उल्टियाँ लगी हुई हैं, और एक नहीं करीबन 10 उल्टियाँ ये कर चुका है अभी तक। मियाँ जी आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी तो कुछ नहीं बोलता है, अभी टेंशन में ही है ना बहुत ज़्यादा, ध्यान को लेके हम लोग बहुत सीरियस है। मतलब आपको बता दूँ मैं कि ध्यान को उल्टियाँ लगी हुई गाइस, यार दुआ करें आप लोग मेरा बच्चा सही हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से कभी गला ख़राब हो रहा है इसका, नॉनसेंस हो गया, मुंह फूल गया, उल्टियाँ लगी हुई, उल्टियाँ पता नहीं क्यों लगी हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस ध्यान को दवाई भी दिला के ले आए हैं, लेकिन ना फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसको उल्टियाँ अभी भी मुसलसल हो रही है, एकदम बार बार भाग भाग के जा रहा है, शैंक पे उल्टी करे जा रहा है, और मैं भी अभी अफ्तारी में लगी हुई थी, तो उनके बाबा इसको संभाल लेते, दवाई भी दिला के लाए थे, बस दुआ करें जल्दी से हो जाए। नज़र भी लगी हुई है, अभी आपने देखा होगा चूल्हे पर आग जल रही थी, तो मैंने इसकी नज़र भी उतारी है, और इसकी ताइम में से भी नज़र उतरवाई कि माँ के हंसी नहीं उतरती, फिर भी मेरा दिल मुतमईन नहीं था, मैंने भी नज़र उतारी, ताइम मेरी भी नज़र उतारी, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, रोज़ा खोलते हैं, बस 5 मिनट है गाइस, रोज़ा भी खोल लिया है और नमाज भी पढ़ ली है, और सॉरी यार मैं आपको इफ्तारी के टाइम पर वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि ज़ियान को बहुत उल्टियाँ हो रही हैं, ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी, तो अभी माशाल्लाह बेहतर है, अब बेहतर है रोज़े के बाद, इन्होंने इसको जो दवाई दिला के लाए थे वो पिलाई सब और सुला दिया, तो मैं आपको दिखाती हूँ, अब्बा बेटे भी सो रहे हैं, अयाज भी बहुत टेंशन में और मैं भी बहुत टेंशन में हूँ, क्योंकि बताते औलाद है, तकलीफ है, तो बहुत तकलीफ हो रही है उसको देख के ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ ज़ियान को कैसे लेटे हैं दोनों अब्बा बेटे, सबके सो रहे दोनों अब्बा बेटे, ज़ियान भाई को क्या हुआ, क्या हो रहा है उनको, ध्यान भाई की तबीयत ठीक नहीं है तो छुट्टी करी है उसने, छुट्टी भी नहीं करी, ट्यूशन भी गया, स्कूल भी गया भाई आज। तो गाइस ये देखा मेरे ध्यान को लग रही है ड्रिप, इनकी उल्टियाँ रुकी नहीं तो इनको ड्रिप लगानी पड़ेगी, और मियाँ जी क्या बोले अब तो कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोलेंगे अभी, कुछ नहीं बोलेंगे, तो बस गाइस दुआ करें, देखें ध्यान को ड्रिप लग रही है। सो व्यूअर्स हम लोग घर आ गए हैं और ध्यान साहब भी सो रहे हैं, लगा कर हमें अभी बहुत बेहतर है, लगा कर हमें अभी बहुत बेहतर है और सो रहा है अभी सुकून से, बस दुआ करें गाइस क्या है अल्लाह पाक इसको जल्द से जल्द ठीक कर दे यार, ये ऐसे अच्छा नहीं लगता मेरे को, क्योंकि ना ये चुलबुला सा बच्चा है मेरा, कभी इधर भाग उधर भाग और मेरे साथ लगा रहता है, तो बस होता है मुझे तो इसके लिए कुछ होता है, इसको भी होता है, दिखाती नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा होता है भाई, मेरे को है इससे पत्नी को, औलाद तो औलाद होती है, किसको नहीं होती औलाद से मोहब्बत, नहीं तीनों से आप बोलेंगे कि ये बात करती है इससे भी है तो खैर तीनों बच्चों से ही, तीनों मेरे बराबर ही हैं, औलाद है यार मेरी तीनों, लेकिन ये बड़ा है, पहला मतलब सबसे पहले गोद में ही आया और पहला बच्चा उसको खिलाया पिलाया, तो बस इससे थोड़ा हमारे साथ लगाव ज़्यादा है, मतलब ये एक फ्रेंड्स बन के रहता है हमारे साथ, मतलब मेरे से तो बहुत ही लड़ाई होती है, इसके बाद सुबह से मुझसे लड़ा नहीं, अब तो बस है यार सही हो जाएगा, सुबह फिर ये खेलना कूद रहा होगा गाइस, फिर मस्तियाँ कर रहा होगा, और एक दिन के लिए मैं अपनी फुप्पो के घर जाता है ना, तो मैं मतलब घर में सन्नाटा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, आज सुबह से उल्टियाँ कर रहा है और ना ऐसा लग रहा है घर में अच्छा ही नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा घर में, सही हो गया अब तो देखो सो रहा है सुकून से, तो गाइस प्लीज ध्यान के लिए दुआ करें जितना हो सकता है कि अल्लाह पाक उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और जल्दी शिफा आप करे और बस ठीक हो जाए वो यार, प्लीज गाइस दुआ करिएगा, तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और
हम लोग को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।